बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दीप सॉल्यूशंस के वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मास्टर मेनू इन सराग। सबसे पहला जो हमारा सरल में मेनू है वो है मास्टर मेनू, इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टर मेनू पे माउस से क्लिक करते ही आपको सबसे पहले जो दिख रहा है वो है अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप मास्टर यूज होता है नए अकाउंट्स के ग्रुप बनाने के लिए, जैसे कि सेंडरी डेबिटर्स का ग्रुप हुआ, सेंडरी क्रेडिटर्स का ग्रुप हुआ। बेसिक जो भी ग्रुप्स है वो हमारे सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट पहले से बने हुए हैं। अगर आपको कोई नए ग्रुप की रिक्वायरमेंट है तो आप अकाउंट ग्रुप से उसे क्रिएट कर सकते हो और सॉफ्टवेयर में आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट है वो है अकाउंट मास्टर। अकाउंट मास्टर में हम अपनी सारे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि बैंक के अकाउंट हुए, डेबिटर्स के अकाउंट्स हुए, सारे क्रेडिटर्स के अकाउंट्स हुए, हमारे एक्सपेंस अकाउंट्स हुए, सारे अकाउंट्स यानी कि हमारी पार्टी है और सारा कुछ बनेगा हमारा अकाउंट मास्टर में। उसके बाद आता है टैक्स मास्टर। टैक्स मास्टर जो है वो वेट के लिए था, जिसमें हम वेट 4%, वेट 2% इस तरह से सारा कुछ अपने बनाते थे। और अभी जो जिनको स्पेशल सेटिंग्स दिया हुआ है या जिनको जीएसटी बनाना है वो इसमें जाके जीएसटी की एंट्री भी यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी मास्टर। कैटेगरी मास्टर यानी कि आइटम ग्रुप मास्टर। हमारी बहुत सारी आइटम्स है और हमें इनको कुछ कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देनी है। हार्डवेयर अलग, सप्लाई अलग, ये अलग, उस तरह से अपने एक ग्रुप बना सकते हैं अपनी कैटेगरी का, जिसमें अपने कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइटम मास्टर यानी कि इन्वेंटरी मास्टर। इसमें हम हमारी आइटम को प्री डिफाइन कर सकते हैं, हमारी आइटम उसकी साइज, उसकी परचेस रेट क्या है, सेल रेट क्या है, डिस्काउंट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आइटम लिंक मास्टर। आइटम लिंक मास्टर यूजफुल है प्रोडक्शन फैक्ट्रीज वाले को, जिनको एक आइटम बनाने के लिए मल्टीपल्स आइटम असेंबल में लगती है, वो आइटम लिंक मास्टर का उसमें यूज होता है। इसमें हम BOM बिल्स ऑफ मटेरियल्स इसमें डाल देते हैं, देन ऑटोमेटिक प्रोडक्शन एंट्री में वो कंज्यूम होता रहेगा। नेक्स्ट है सेल्समैन मास्टर। अगर हमारे बिजनेस में कोई सेल्समैन है और हम उसको कमीशंस वगैरह दे रहे हैं तो सेल्समैन मास्टर में हम उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और कमीशन रेट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मास्टर। ट्रांसपोर्ट मास्टर हमारे सारे ट्रांसपोर्ट्स के लिए है। हम प्री डिफाइन करके सारे ट्रांसपोर्ट के नाम, उसके ट्रांसपोर्ट आईडी यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस एंट्री। अगर आपने अकाउंट मास्टर में अकाउंट बनाते वक्त आपने डेबिटर्स क्रेडिटर्स के ओपनिंग्स नहीं लिखे हैं तो ये बहुत शॉर्टकट एंट्री है, जहाँ से सिंगल लिस्ट में आपको डेबिटर्स और क्रेडिटर्स मिल जाएंगे, या यू कह के सारी पार्टीज मिल जाएगी, आपको सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे, उसमें एक ही लाइन में आप सबके ओपनिंग्स एक साथ लिख पाओगे। उसके बाद आता है पार्टी वाइज आइटम वाइज रेट। पार्टी वाइज आइटम वाइज रेट में ये होता है कि आपने एक पार्टी ली, उसके साथ एक आइटम का कोई रेट फिक्स किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख पाओगे। जब आप सेल करने जा रहे हो तब आपको जनरल रेट छोड़ के आपको पार्टी वाइज आइटम वाइज रेट में से ही प्री डिफाइन किया हुआ रेट वहाँ पे ये ले लेगा। देन है मास्टर स्टेट कोड एंट्री। अगर आपने अकाउंट मास्टर बनाते टाइम सारे कस्टमर्स और सप्लायर्स के स्टेट कोड नहीं लिखे या जीएसटी नंबर नहीं लिखे तो ये एक शॉर्टकट एंट्री है, जिससे आप सबके स्टेट कोड, स्टेट और जीएसटी नंबर यहाँ से लिख पाओगे आप। नेक्स्ट है कैटेगरी वाइज HSN कोड एंट्री। अगर आपने कोई कैटेगरी यानी कि डिपार्टमेंट वाइज आपके HSN कोड सेम है तो एक ही बार में आप डिपार्टमेंट वाइज यहाँ से HSN कोड डाल सकते हो, उसमें से सारी आइटम्स में वो ओवरराइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आइटम वाइज HSN कोड। अगर आइटम्स में आपने HSN कोड नहीं डाले हैं, अगर आप डालना चाह रहे हो और हर आइटम में मॉडिफाई करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आइटम वाइज HSN कोड आपके लिए बहुत काम का मेनू यूज हो सकता है। आप इसमें से सारे आइटम्स के HSN कोड डाल सकते हो।
ये हो गया हमारा मास्टर मेनू कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।